अंदर वैन में रख के समझाता हूँ क्या सीन हो गया हमारे को। 7:30 बजे जो है भाई हमको नीचे होना था, 7:15 बजे तो हमारी नींद खुली है। ये टूर का चार्ज जो हुआ है हमको, नाय आइलैंड जहाँ 1 घंटा रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे खाई नोई आइलैंड, यहाँ 1/2 घंटा रुकेंगे और उसके बाद मेन आइलैंड खाई नॉक आइलैंड। तो भाई लोग फाइनली बोर्डेड स्पीड बोट, ये दौड़ेगी 20 मिनट में पहुंचा देगा बोल रहा है स्पीड बोट। पहले आइलैंड पे आ चुके हैं, जाना मेरे को नहीं करेंगे स्नॉर्कलिंग, बट कर लेते हैं अगर अभी आई है, इतना क्लियर पानी वानी भी है। यहाँ का खाना तो एकदम बेहुदा और बकवास था भाई। मेरे भाई यहाँ वैसे वालों का कुछ सिस्टम ही नहीं है केएफसी में। तो भाई लोग ये वाला ब्लॉग बहुत हड़बड़ी में शुरू हो रहा है, अंदर वैन में रख के समझाता हूँ क्या सीन हो गया हमारे को। बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इन फुकेट, मजा आ गया भाई, चलते हैं। भैया बुला रहे हैं अपने को, ये लेने आए अपने को, अंदर बैठ के जो है पूरा सीन समझाता हूँ क्या हुआ, चलते चलो। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। टाइम देखो भाई, सुबह का 7:45 हो रहा है और ये बंदा और मैं सो गए थे हम बिल्कुल ही दिमाग से, मतलब था दिमाग में कि सुबह 7:30 बजे जो है वैन लेने आने वाली है फेरी के लिए। जैसे कि अपने पिछला व्लॉग देखा, मैंने बोला था चेंजेस इन प्लान है, बाइक वाइक दे दी थी हमने वापस, और जिसके लिए हम लोग कराबी गए थे वो नहीं हो पाया। अभी भी जिसके लिए हम लोग कराबी गए थे वो नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है वो आपको मैं जाके ही समझाऊंगा। बट अभी जो हमारे साथ भसूड़ी हुई थी, 7:30 बजे जो है भाई हमको नीचे होना था, 7:15 बजे तो हमारी नींद खुली है। अच्छा हुआ कि हमारी जो पैकिंग थी वो रात को हो गई, नहीं तो आज तगड़ी ही भसूड़ी हो जाती कि भाई वैन मिस हो जाती आज भी, और जो आइलैंड स्पीडबोट वाला जो एक्सपीरियंस था वो रह जाता हमारा इस ट्रिप के लिए। बट लकीली मेरी आंख खुली या भगवान का सिग्नल था, आई डोंट नो, व्हाटएवर इट वाज, बट फाइनली हम लोग बैठ गए। बहुत हड़बड़ी में निकला हूं भाई मैं होटल से, यहाँ से अपन जा रहे हैं कोई पोर्ट जहाँ से स्पीडबोट और फेरीज चलती है। अपन ने जो किया है स्पीडबोट, अभी कौन से आइलैंड की है वो मैं आपको देख के एक बार बता दूंगा वहां पहुंचने के बाद, और उसके बाद आगे की जर्नी हमारी आज शुरू हो जाएगी। दिस वाज आवर लास्ट डे इन फुकेट, तो भाई इसके आगे हम लोग कहां जाते हैं आपको आगे आगे ब्लॉग देखते जाइए, पता चलते जाएगा। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस चलते और एंजॉय करते हैं। बेसिकली ये भसूड़ी भी हुई, बहुत घाई गड़बड़ हुई, पर मजा आया, छूट जाते तो लग जाता भाई, ये मुस्कुराहट नहीं होती। बट हाँ चलो, जो भी है अच्छे के लिए हुआ, चलो करते हैं अच्छा। Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. तो भाई लोग सीन ऐसा है कि पोर्ट पे पहुंच गए हम लोग, ये वैन थी भाई जो आई थी लेने के लिए, ये सारा बेसिकली ड्रॉप पॉइंट ही है, सारी वैन आप देख सकते हो आजू बाजू जो है सारी वैन है, और ये अपनी वैन थी भाई। Okay. So everybody go, about to see in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away. भाई बेसिकली जो है अपने को ये एक बैंड दिया है इन्होंने, लगेज छोड़ते हैं और स्पीड बोट को बोर्ड करते हैं। तो भाई ये टिकट है और ये इनको दे रहे हैं अपन, ये अभी एंट्री करेंगे और हम बेसिकली हमारा लगेज यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका भी कुछ तो मिलेगा ही बेसिकली कि प्रूफ, एज अ प्रूफ कि भाई अपन ने लगेज छोड़ दिया है। बस ये सिस्टम है, थोड़ा जल्दी हो रहा है, सारी चीजें थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला बहुत भाई गड़बड़ में निकले हैं भाई सुबह। तो भाई लोग ये इनका ऑफिस है, यहाँ अपन ने जो अपना लगेज छोड़ दिया। ये टूर का चार्ज जो हुआ है हमको 1100 baht पर पर्सन हुआ है भाई, तो इसमें वो बेसिकली दो आइलैंड्स कवर करने वाले हैं। फीफी फूफी नहीं जा रहे क्योंकि वो हाई पे सिर्फ माया बे वगैरह बहुत टूरिस्ट है और बहुत कमर्शियल है। हम लोग देखते हैं, हमने 2-3 आइलैंड देखे थे, अगर वो वैसे ही दिखते हैं हमने वही बुक किए हैं। बेसिकली दो आइलैंड है, आपको जाएंगे तो दिखाएंगे बेसिकली। तो ये सीन होने वाला है बॉस, आज स्पीड बोट राइड होने वाली है, मजा आने वाला। तो भाई ये भाई ने समझा बेसिकली, हम लोग जो है ये एशिया मरीना में है, यहाँ से हम लोग जाएंगे खाए नाय आइलैंड, यहाँ 1 घंटा रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे खाए नोई आइलैंड, यहाँ 1/2 घंटा रुकेंगे और उसके बाद मेन आइलैंड खाए नॉक आइलैंड। तीनों जगह स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ, अभी मन तो बना के आया था नहीं करूंगा, बट एक स्नॉर्कल ले लेते हैं, सो लेट्स सी व्हाटएवर हैपेंस। एक तो लेके रखते हैं, एक स्नॉर्कल ले लिया है अपन ने, ये है भाई पूरा सिस्टम, अभी देखते हैं जो भी सीन बनता है, कूदे नहीं कूदे वो बात की बात है, बट लेके रख लेते हैं क्योंकि वहां जाके अगर नहीं मिला तो फिर भसूड़ी नहीं मचनी थी। भाई सीन ऐसा है, जैसा कि आप देख सकते हो ये है अपनी स्पीड बोट,
और इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 30 से 40 का कैपेसिटी है। अभी हम देखते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ एकदम बाहर निकल के जो है टेक पे खड़ा रहा जाए कि अंदर ये थोड़ा सा क्लस्टरफोबिक सा हो जाएगा। तो भाई बाहर चलते हैं और फील लेते हैं। तो भाई लोग फाइनली बोर्डेड द स्पीड बोट एंड लाइफ जैकेट आप देख सकते हो पहन लिए अपन ने। ये स्पीड बोट यहाँ से और अपन तो भाई एकदम विंडो सीट चाहिए होती है एयरप्लेन में और फ्रंट सीट चाहिए होती है फेरी में। फेरी बोल रहा हूँ मैं, पूरे पता नहीं व्लॉग में फेरी फेरी क्यों बोल रहा हूँ। ये है स्पीड बोट भाई, पैसे एक्स्ट्रा दिए स्पीड बोट के। फेरी में अराउंड 70-80 लोग होते हैं बट स्पीड बोट में 30-40 होते हैं भाई। तो बस चलते हैं अभी। तो भाई सीन ऐसा है, स्पीड बोट जो है शुरू हो चुकी है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द आइलैंड। अभी तो एकदम धीरे चल रहे हैं बट ये दौड़ेगी, 20 मिनट में पहुंचा देगा बोल रहा है स्पीड बोट। और हम लोग जो एकदम फ्रंट डेक पे, मैंने आपको दिखाई दिया था कि बैठे हैं, ये है भैया कैप्टन साहब चला रहे हैं और ये सब के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन, सब लोग बहुत फ्रेंडली इधर आराम से बात बात कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा मजा आना शुरू हो रहा है क्योंकि ये जो सीट मिली है थोड़ा सा फील वाली सीट है। तो यस बेसिकली इट्स अ गुड एक्सपीरियंस अभी तक। तो अभी देखते हैं, थोड़ा भगाए तो मजा आए भाई, एड्रेनलिन रश। तो भाई लोग फाइनली जो है पहले आइलैंड पे आ चुके हैं अपना ये। अभी शायद मैं स्नॉर्कलिंग करने जाऊंगा, पता नहीं उसका देखते हैं, सोचता हूँ मैं। बट अभी फिलहाल आप लोग जो है ड्रोन शॉट्स के मजे लीजिए। ड्रोन शॉट्स इन 3-2-1 गो। तो भाई लोग सीन ऐसा, प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं प्लान करके आया था कि भाई नहीं जाना मेरे को, नहीं करेंगे स्नॉर्कलिंग, बट कर लेते हैं अगर अभी आई है। इतना क्लियर पानी वानी भी है, इन्होंने ये भी दे दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं अंदर पानी के, गोप्रो सेट है, बाकी चलते हैं। गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल, पानी ठंडा है, सबसे बड़ी बात क्लीन है भाई, पानी बहुत क्लीन है। नीमो वीमो दिख तो रहा है, अभी पता नहीं कैमरे में लिया होगा नहीं लिया होगा। फिशेज है अच्छी खासी, मैं मेरी लाइफ जैकेट जो है थोड़ा अंदर ही भुलाया हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा आगे तक जाता लाइफ जैकेट के साथ, तो कोई दिक्कत होती नहीं। बट या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो भाई लोग वापस जो है अपन बोट पे आ गए थे और सीन ऐसा हुआ ना कि मैंने तो वहीं स्नॉर्कलिंग कर ली थी थोड़ी बहुत, अभी ऊपर आके मैंने वापस अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, अब कूदेंगे नहीं पानी में। बट भैया जो है एक सीक्रेट प्लेस पे लेके आए, यहाँ एक्चुअली कोरल्स है ना बहुत क्लियर है, अगर आप देखो ना ऊपर से दिख रहा होगा आपको ग्रीन ग्रीन, नीचे कोरल्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं क्या करूंगा, भैया को जो है अपना गोप्रो दे दूंगा, वो आपको अंदर के थोड़े बहुत शॉट्स दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो नहीं जा रहा भाई अभी, क्योंकि कपड़े पहनने और उतारने में ही दिक्कत वाला सीन है, तो इसीलिए मैं तो नहीं जा रहा भाई। अभी दे देते उनको कैमरा, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। ये रुके ही है तो थोड़ा सा टूर दे देते हैं भाई, स्पीड बोट कैसी होती है बेसिकली और क्या कैपेसिटी है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है पूरा, दिस इज द फ्रंट डेक, यहाँ से आप थोड़ा सा अंदर जाओ, यहाँ आपको छोटा सा जो है शायद वॉशरूम होगा, ये वॉशरूम है छोटा सा। और ये है भाई अंदर, अंदर की जो स्पीड बोट है बेसिकली पूरी। तो 30 से 40 लोग आराम से आ जाते हैं, ये अपने ड्राइवर भैया है उनका है सिस्टम यहाँ। बट आइए, दिस इज द स्पीड बोट, अच्छी खासी है, छोटी है, थोड़ी प्राइवेसी ज्यादा रहती है भाई इसमें, इसीलिए हमने ये की वो फेरी वेरी में 200-300 लोगों के बीच में करने का कुछ मतलब बनता नहीं है, सीधी बात है।
तो भाई स्नॉर्कलिंग जो स्पॉट था वो सेकंड स्पॉट था, थर्ड स्पॉट ये हमारा खाने का है, बेसिकली शॉर्ट लंच है। तो पानी का कलर देख लो यार तुम सब, बाकी सब तो छोड़ दो भाई। ये है आइलैंड छोटा सा, सिर्फ खाने पीने का सिस्टम है, मतलब इधर और कुछ नहीं है बस। इसके बाद जो है हम लोग फाइनली निकल जाएंगे, चलते हैं बाहर और खाते। ये ब्रेड को इधर बन बोलते हैं भाई, और इसके अंदर देखते हैं क्या है, अभी पता नहीं क्या सिस्टम है। मीठा सा है कुछ तो। तो भाई लोग देख लो भाई सामने क्या सीन चल रहा है, पानी वानी फैंटा वाटरमेलन, और यहाँ से कुछ ब्रेड वेड है बनवाने भाई, मतलब काइंड ऑफ मीठा था बन वन खा के देखा मैंने, अजीब सा है भाई, मजा नहीं आया थोड़ा सा अपने, मतलब बाहर के लोगों के लिए सिस्टम नहीं है भाई ये। वाटर मेलन वगैरह आप खा सकते हो आराम से, वो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। फोटो वोटो खिंचाते हैं जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो बस यार आईडी कर लेना फॉलो, वहां चलते हैं और आपको नजारे दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जो खाना आपको मैंने अभी दिखाया वो हमारे बोट वालों की तरफ से, और यहाँ और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। ये देख लो भाई लोग, ये सब भी है बट अंधा महंगा है, सिस्टम ऐसा है कि अगर आपको ये सब करना है तो लेके आओ या तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से मतलब बहुत महंगा है ये सी। तो भाई लोग हम तो आ गए थे भाई फिर से अपने स्पीड बोट पे, तो बाहर बहुत धूप है भाई, हो गया सब खाना पीना एंड वी आर हेडिंग बैक टुवर्ड्स फुकेट नाउ। अभी मुद्दा ऐसा है ना, रजत भाई यहाँ बैठे हैं इधर, और हम दोनों यही बात कर रहे थे कि यहाँ प्राइवेट बोट का भी हमने पता किया था कि अगर हम सिर्फ दो ही हैं तो कितना, तो दो उसने 12,000 baht बोला था, राइट 12,000 baht बोला था उसने। तो यार 12 दोस्त ले आओ इंडिया से, 1,000 baht निकालो, विच इज क्वाइट अफोर्डेबल। तो बस सोचते हैं अगली बार दोस्तों को लाने का, एक ट्रिप तो दोस्तों के साथ मारनी चाहिए, वैसे एक दोस्त के साथ तो मार ही रहे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फुकेट बैक, एक आधा घंटा लगेगा, और उसके बाद जो हमने इसीलिए चूज किया है बेसिकली कि भाई क्या है ना कि हमको आगे जाना है, हमारी बस बुक है टुवर्ड्स बैंकॉक, हम लोग पटाया जा रहे हैं वाया बैंकॉक, तो हमने बस बुक की है टुवर्ड्स बैंकॉक, फिर उसके बाद वहां से अलग बस लेके पटाया जाएंगे। ये है प्लान जो कि आपको अगले व्लॉग में देखने मिलेगा। बेसिकली चलते हैं अभी फुकेट की तरफ और कुछ खाना वाना खाते हैं भाई, बहुत भूख लगी क्योंकि यहाँ का खाना तो एकदम बेहूदा और बकवास था भाई। चलते हैं फुकेट की तरफ। तो भाई लोग आ गए पोर्ट पे, यहाँ देखो भाई साहब क्या अलग अलग तरह की बोट्स है भाई, मतलब लग्जरी बोट्स भी बोल सकते हो। एंड वी आर बैक टू द पोर्ट, और यहाँ से कैब पकड़ के जाएंगे बस टर्मिनल, खाना खाएंगे उसके पहले सबसे पहले। तो चलते हैं निकलते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो टूर था पसंद आया होगा, एटलीस्ट ब्लॉग के थ्रू तो पसंद आया होगा। ड्रोन वन उड़ाया, यहाँ थाईलैंड में ड्रोन के भी बहुत सिस्टम है भाई, पूछ के उड़ाना पड़ता है, बहुत सारी जगह अलाउड नहीं है ड्रोन। चलते हैं फिर और कंटिन्यू करते हैं अपने आगे की जर्नी को। नहीं दूसरी वैन भाई आ गए फाइनली, चलते हैं अंदर। यह है भाई सिस्टम वैन का, चलो लेट्स गो। तो भाई जैसा कि मैंने बोला मिनी वैन में आ गए थे भाई, और मिनी वैन भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी, कि यह है मिनी वैन बेसिकली, वहाँ ड्राइवर सीट और आगे का सब है सिस्टम, और यहाँ अपन बैठे हैं। मैंने गिना तो 13 की कैपेसिटी है भाई मिनी वैन में, और थोड़ा सा लगेज पे से, तो लगेज इतना कैरी मत करना यही सजेस्ट करूंगा। और जहाँ से हमने ये जो काइंड ऑफ पैकेज ही था, ये जो आज हम गए टूर पैकेज था बेसिकली दो आइलैंड्स का, तो उसमें पिकअप ड्रॉप आपका इंक्लूडेड होता है, यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। बस टर्मिनल 2 किलोमीटर रह जाता है, उतरते हैं और खाना खाते हैं। तो भाई सीन अभी ऐसा है कि लगेज लेके मैं और रजत भाई निकल गए, बस टर्मिनल पहुंच गए थे जैसे कि आपको बोला, और यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट तो कोई है नहीं, मेरे को एक्चुअली कपड़े बदलने मेन, तो यहाँ KFC दिख रहा है सबसे नजदीक में, तो KFC ही खाने का डिसाइड किया है। 300 मीटर पे है, 4 मिनट का वॉक है, ये लगेज लेके घूमना भी एक सीन है भाई। तो चलते हैं और KFC में मिलता हूँ। तो भाई लोग KFC आ गए थे, ऑर्डर भी अपना आ गया भाई साहब, यहाँ तो चिकन वालों का तो मजे ही मजे हैं, बट बेचारा मेरे भाई यहाँ वेज वालों का कुछ सिस्टम ही नहीं है KFC में। इंडिया में फिर भी बहुत ऑप्शंस होते हैं भाई KFC में वेज के लिए, यहाँ सरप्राइजिंगली कुछ नहीं है। इन्होंने सैलेड सोचा था मंगाने का, ये कुछ तो फ्रोजन आया है, कोल्सलो सैलेड, कुछ तो ठंडा सा आया है फ्रोजन, और ये इनका खाना है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। फ्रेंच फ्राइज ले लो भाई, फ्रेंच फ्राइज ले लो, वेज है वेज है वेज है, शुद्ध शाकाहारी। अभी खाते हैं और इसके बाद जो है बस बोर्ड करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ उसका एक अलग ब्लॉग बनाया जाए। तो इस ब्लॉग को इधर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको पसंद आया होगा तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। कुछ भी क्वेरी है इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, मैं रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। दिस इज विक्रांत साइनिंग ऑफ, बाय बाय, राइट सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग वेरी सून।